अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर इस्मा नूर। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ का। आज के इस लेक्चर में हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से एचसीएफ फाइंड किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 50 से। पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने उन वैल्यूज का एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट है हमारा 32 एंड 24। हमारे यहाँ पे टू स्टेप्स होते हैं, दो तरीके हैं एचसीएफ फाइंड करने का। फर्स्ट है हमारा 32 और 24 के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स क्या हैं? 32 का फैक्टर्स हैं कि 32 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे और 32 पे क्या करेंगे हम। और 24 है हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 पे पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इसके फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टर्स लिख दिए हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर है हमारा 1, 2, 4 और 8। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो दोनों वैल्यूज़, यानी दोनों वैल्यूज़ के जो फैक्टर्स हैं उसमें जो कॉमन हो, यानी जो दोनों में मौजूद हो, वो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स का जो ग्रेटर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो हमारा एचसीएफ है। द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर 32 एंड 24 आर 8 जो है हमारा एचसीएफ है। हमने जो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड किया है, उसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो हमारी कॉमन फैक्टर है। एक तरीका हमारा फैक्टर्स निकालने का है और दूसरा हमारा एलसीएम करने का। एलसीएम हमारा है किस तरह से, 32 का आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसकी वैल्यूज लिखनी है। देन आपने 24 का एलसीएम लेना है, उसकी वैल्यूज लिखनी है। 32 जो है 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 2, 2 6 12। अब 16 है, 16 को आपने चेक करना है 2 के टेबल पे कहाँ जाता है, 2 8 16। अब 8 है, 8 को आपने चेक करना है, 2 4 8, 2 2 4 एंड 1 as it is, 2 1 2। जब तक आपका 1 इस क्वेश्चन में नहीं आता तब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। 2 1 नेक्स्ट है 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इनकी जो वैल्यूज आई हैं, जो टेबल है इसका फैक्टर्स हैं, वो आपने इसमें राइट करने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 एंड 2। 5 टाइम 2 है 32 में एंड 3 टाइम 2 है 24 में, 1 3 है। अब इसमें से आपने कॉमन फैक्टर निकाले हैं। कॉमन फैक्टर हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन तीनों को हमने, ये कॉमन फैक्टर निकालने के बाद इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। 2 2 4, 4 2 8। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था फैक्टर्स निकालने के बाद, तब भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 8 आया था। एलसीएम करने के बाद अगर हम आंसर निकालते हैं तब भी आंसर 8 ही आता है। मुझे कोई ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा इजी लगता है, इसीलिए मैंने बाकी क्वेश्चंस भी इसी मेथड से करवाए हैं। आपको जो मेथड इजी लगेगा आपने उस मेथड से करना है, ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 एंड 25। 50 और 25 को हमने चेक करना है। 50 का हमने 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 5 10, 2 1 2 2 4, 2 5 10, 25 आया, 5 5 25 एंड 5 1 5। नेक्स्ट है 5 5 25 एंड 5 1 5। इसके कॉमन फैक्टर, इसकी वैल्यूज लिखेंगे 50 एंड 25 की। इसके कॉमन फैक्टर निकाले 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर जो हम निकालेंगे, इसका जो हमने वैल्यूज निकाली हैं एलसीएम के बाद, इसके कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। आंसर है इसका 5 5 25 25, इसका आंसर है। नेक्स्ट है 48 एंड 30। 48 को आपने 2 से एलसीएम लेना स्टार्ट करना है, 2 2 4, 2 4 8। नेक्स्ट है 24, 2 1 2, 2 2 4, 12, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। नेक्स्ट है 30, 3 1 3, 0 as it is, 2 5 10, 5 1 5।
आपको टेबल्स इन क्वेश्चंस में भी याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनकी वैल्यूज हमने नीचे राइट की हैं 48 और 30 की। इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड किया है, कॉमन फैक्टर है 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। क्या आया है? 2 3 6 6 हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर का अच्छे से रिव्यू करना है। इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। आपने इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चन का या इस लेक्चर का आपको कुछ समझ नहीं आता या कोई कन्फ्यूजन है या इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर का क्विज भी लाजमी सॉल्व करना है। थैंक यू।